कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी की यह कविता, इसका भावार्थ बहुत ही अच्छा है छात्रों। इससे हमें सीख मिलती है, कवि पहली पंक्ति में हमें यह बताना चाहते हैं कि यह हर एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। जीवन जीते समय हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। एक युद्ध भूमि है, हर रोज लड़ना पड़ता है। हारने और जीतने का तो सवाल ही नहीं। जब भी हार होती है तो अपने आप को कमजोर मत समझो और उस हार को विराम यानी विश्रांति के स्वरूप मान लो। चाहे तिल तिल मिटू, तिल तिल मिटू, पर दया की भीख मैं मांगूंगा नहीं। मतलब चाहे धीरे धीरे मैं मर जाऊं, लेकिन किसी के सामने मैं हाथ फैला सकूं, इतना मैं कमजोर नहीं। मैं मरना पसंद करूंगा, मिटना पसंद करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता मर जाऊंगा, मिट्टी में समा जाऊंगा, लेकिन भीख किसी के सामने नहीं मांगूंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा और वरदान कभी नहीं मांगूंगा। कभी अगली पंक्तियों में हमें बताते हैं, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। मतलब स्मृति यानी क्या? जिन जिन लोगों ने महान कार्य किया है, कुछ करके दिखाया है, इतिहास रचा है, ऐसे लोगों की याद में वहां पर जो हमें खंडर दिखाई देते हैं, जहां उन्होंने कार्य किया है, उन खंडरों की तरह मेरी कुछ स्मृतियां रहे। यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। कभी कहते हैं इस पंक्ति में, मुझे लालच नहीं है, विश्व की सारी संपत्ति मेरे पास हो इसकी मुझे जरूरत नहीं है और मैं उसके लिए कटिबद्ध भी नहीं हूं। मैं तो जीवन जीना चाहता हूं, आए हुए क्षण का सामना करना चाहता हूं और इसी तरह पूरे विश्व की संपत्ति मेरे पास लेकर भी मैं एक दिन स्मृतियों में तब्दील हो जाने वाला हूं, खंडरों में तब्दील हो जाने वाला हूं, यह दुनिया छोड़ जाने वाला हूं, तो इसकी चाह मैं किस लिए रखूं? इसलिए मैंने कुछ मांग भी लिया तो वो खंडरों में तब्दील हो जाएगी, इसलिए मैं भगवान तुमसे क्या मांगू, तुमने तो सब कुछ तो मुझे दे दिया, क्या हार में क्या जीत में। कभी अगली पंक्तियों में कहते हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हार हो या जीत हो, युद्ध है, संघर्ष है, जीवन है, बहुत सारे हमारे सामने प्रश्न है, उन प्रश्नों के जवाब ढूंढते ढूंढते जिंदगी बीत जाती है। कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है, कभी कभी जीत हो जाती है। हार होती है तो दुख होता है, जीत होती है तो खुशियां होती है, लेकिन हार हो या जीत हो, उससे हमें ज्यादा उल्लासित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, किंचित भी भयभीत, हार से हमें भयभीत नहीं होना है। संघर्ष के पथ पर जो भी हमारे जीवन में हमें मिलता है, वो चाहे हार हो या जीत हो, ये भी सही वो भी सही, संघर्ष के पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, यानी जो भी मुझे मिलेगा मैं खुशी खुशी उसे अपने पास रखूंगा,